हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम आपके हिंदी पुस्तक दिगंत से काव्यखंड में पेज नंबर 206 में दी गई कविता जन जन का चेहरा एक की व्याख्या करेंगे। जो जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए हम सबसे पहले मुक्तिबोध जी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 में सिंहपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे जिनका अक्सर तबादला होता रहता था और इसी वजह से मुक्तिबोध जी की पढ़ाई में भी बाधाएं पड़ती रहीं। मुक्तिबोध जी के अध्ययन क्षेत्र में सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना किया है इन्होंने, और लेकिन फिर भी ये हमेशा से एक अध्ययनशील छात्र रहे हैं। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही मास्टरी आरंभ की, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये हमेशा से ही अध्ययन अध्यापन लेखन और राजनीति इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहे हैं। मुक्तिबोध जी 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी कवि और रचनाकार कथाकार हैं। इन्होंने कविताएं लिखी हैं, डायरी लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं और एक उपन्यास भी लिखा। 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध जी का निधन हो गया। आज की जो कविता है जन जन का चेहरा एक, ये कविता मुक्तिबोध जी ने अपने आरंभिक यानी शुरुआती दौर में लिखी थी। तो ये थी मुक्तिबोध जी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। तो चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक, क्या अर्थ है इससे कि क्या मनुष्य एक दूसरे के, मतलब मनुष्य का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मतलब है जनता की एकता से। मुक्तिबोध जी की दृष्टि से जो कि जनता में एकता है, सभी जगहों की जनता एक समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। चलिए हम कविता में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। और इसमें कुछ ऐसे कठिन वर्ड्स नहीं है, जो भी है उसका मैं शब्दार्थ आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिएगा। चलिए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। मुक्तिबोध जी बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे जिस भी देश प्रांत पुर, प्रांत पुर से तात्पर्य है गांव से, ग्राम, देश, विदेश का हो, जन जन का चेहरा एक, सभी जगहों की जनता एक है। क्योंकि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, सभी जगहों पर जो धूप निकलती है, जो सूर्य से जो धूप प्राप्त होती है सभी को, वो सभी जगहों पर तो एक समान ही है। सभी जगहों पर तो सूर्य के कारण ही रोशनी मिलती है, इसीलिए सभी जगहों पर जो जनता है वो एक समान ही है। अगली पंक्ति है, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुरियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी बता रहे हैं कि जो कष्ट दुख संताप, संताप यानी पीड़ा, भाई कष्ट दुख संताप एक ही है। चेहरों, जो मनुष्य में जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उनसे सभी को दर्द होता है। किसी भी मनुष्य को कष्ट दुख या पीड़ा होने से उन्हें दर्द ही होता है, तो इसीलिए सभी मनुष्य एक जैसे हुए। और चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी महादेश का हो, मनुष्य उस वो अगर बूढ़ा होता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियां ही पड़ती हैं। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, और मनुष्य अगर जोश में आ जाए, अगर उसमें ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो जाए जिससे कि वो गुस्सा हो या फिर जोश में आ जाता है,
उससे जो मनुष्य में जो ताकत आती है वो सभी जगहों के मनुष्यों में वैसे ही होती है। किसी भी देश का की जनता अगर एक साथ हो जाए, एक मुट्ठी बन जाए, तो उससे ताकत ही उत्पन्न होती है। आगे है, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। यहाँ पर बता रहे मुक्ति बोध जी कि पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन उसका धरातल पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसमें जो जनता जो निवास करती है, जो जनता का दल है, वो इसी पृथ्वी पर तो निवास करता है। सभी जनता इसी पृथ्वी पर, एक ही पृथ्वी है हमारी और इसी पर निवास करते हैं सभी। और जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। उद्दीपित मतलब होता है प्रकाशित और विकराल मतलब होता है भयंकर। सूर्य से जो हमें तेज रोशनी मिलती है, उसकी जो लाल किरणें जो उत्पन्न होती हैं, वो जब प्रकाशित होती है पूरे देश को, पूरे विश्व में, तो एक जो उससे प्रकाश निकलता है, एक भयंकर सा जो वो अंधेरे को एक ही बार में समाप्त कर देती है, वो पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। यहाँ पर मुक्ति बोध जी बता रहे हैं कि जो हमारी जो देश विदेश में जो नदियां हैं, वो चाहे गंगा हो, इरावती हो, इत्यादि मीनाम हो, वो सभी अकुलाती का अर्थ होता है बेचैन। जब सभी नदियां बेचैन हो जाती हैं, बेचैन होने का तात्पर्य है जब ज्वार भाटा जैसे आते हैं नदियों में, तो उससे बाढ़ ही आती है। पूरे विश्व में जो भी नदी कहीं पर बहती है, अगर उसमें बेचैनी आ जाए, अगर वो नदी उतार चढ़ाव करने लगे, तो उससे बाढ़ ही आएगी। और नील नदी या फिर अमेजन हो या फिर मिसौरी हो, सभी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। सभी वेदना जो दर्द उनमें अगर ऐसा कुछ होता है नदियों में, तो उससे बाढ़ ही आएगी। और जैसे कि नदियां पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जीवन देती हैं, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, जैसे कि वो जिंदगी देती हैं, जीवन प्रदान करती हैं पशु पक्षियों को, वो कहीं की भी नदियों से वैसा ही होता है। चाहे वो जिस भी देश महादेश की नदी हो, जो भी नदी हो, उससे पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जीवन प्रदान होता है, उसी तरह से उन्हीं नदियों में अगर बाढ़ आ जाए तो तहस नहस हो जाता है। अगली लाइन है, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले से बाहर पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। यहाँ पर मुक्ति बोध जी बता रहे हैं कि जैसे कि पहले के समय में शोषण होते थे, शोषक जैसे शोषण करते थे, तो सेनाएं जो कि बहुत जनता को गिरफ्तार कर एक काले काले दुर्ग, मतलब पहाड़ों पर जो काले काले किले, दुर्ग यानी किले जो बनाए होते हैं, वैसे ही रखते थे। वो चाहे किसी भी देश में शोषण की बात हो, तो ऐसे ही शोषण होता है। और गहरी काली छायाएं पसार कर, फैला कर, उनकी जो काली छायाएं होती हैं, जैसा कि एक बुराई जो होती है, वो सभी देशों में इसी तरह से होती फैली हुई है। और जो शत्रु हैं, वो काले से पहाड़ पर जो दुर्ग बना हुआ है, काले पहाड़ों पर जो किले बने हुए हैं, उसी में
अपना शोषण करते हैं और गिरफ्तार कर कर जनता को रखते हैं। और जन शोषक शत्रु एक हो, सभी शत्रु एक ही समान है सभी देशों में। अगली पंक्ति है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। मतलब जो यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने सूर्य और मनुष्य को एक दूसरे के एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं यहाँ पर ये बताया है। जैसे कि सूर्य अंधकार को चीरता हुआ अपनी रोशनी फैलाता है, उसी तरह से अगर मनुष्यों में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हो जाए तो वो भी अपने समाज के हित के लिए सभी से विद्रोह कर उठता है, आंदोलन कर उठता है और एक विराट बहुत बड़ा एक प्रकाश मतलब का रूप धारण कर लेता है सूर्य की तरह, और समाज के हित के लिए पूरे विश्व में आंदोलन छेड़ देता है। जैसा कि सूर्य पूरे अंधकार को चीरता हुआ अपनी रोशनी फैलाता है, बिल्कुल उसी तरह से धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। इसका तात्पर्य है, वक्षों से तात्पर्य है सीना, जो कि धड़कते वक्षों यानी सीने में जो कि जनता के जो सीने में जो सत्य का जब उजाला उत्पन्न हो जाता है, जब सत्य के प्रति मनुष्य व्याकुल हो उठता है, उसी के लिए क्रांति की ज्वाला भी उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल वह सूर्य के समान हो जाता है, एक ज्वलनशील एक जनता का रूप धारण कर लेता है। अगली पंक्ति है, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, हिये में हिम्मत का जो उजाला होता है उसमें जो हिम्मत का एक सितारा होता है, और लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना, वेदना से तात्पर्य दर्द से, जो लाखों जनता में जो एक दर्द उत्पन्न हो जाता है, भले ही उस क्रांति से उन्हें दर्द हो या फिर उनके पैर लड़खड़ा जाए, लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत का सितारा, जैसे सितारे रात को टिमटिमाते रहते हैं उसी तरह से उनमें भी वो उसी तरह से टिमटिमाते रहते हैं, उनमें हिम्मत उसी तरह से रहती है सितारों के जैसे। बिल्कुल चाहे वो जिस भी देश का हो, जिस भी गांव का हो, सभी मनुष्य एक जैसे ही हो जाते हैं जब उनमें हिम्मत आ जाती है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान। यहाँ पर बता रहे हैं मुक्तिबोध जी कि एशिया, यूरोप, अमेरिका ये सभी जगह जो हैं, इनके ये भिन्न भिन्न स्थान हैं, अलग अलग से स्थान हैं, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, ऐतिहासिक बंधन है कुछ, इनके पहनावे अलग हैं, रहन सहन अलग है, लेकिन फिर भी सभी ओर हिंदुस्तान, लेकिन सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी हिंदुस्तान में ही निवास करते हैं और सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। यहाँ पर कुछ धार्मिक तरह से बताया गया है कि जिस तरह से कन्हैया ने, कृष्ण भगवान ने विश्व के कोने कोने में अपनी बंसी की धुन फैलाई हुई है, और पूरे विश्व में जो भी देश है, जो भी महादेश है, वहाँ पर सभी जगहों पर कन्हैया ने अपनी गाय चराई है। कहने का तात्पर्य है कृष्ण भगवान सभी
जगहों के जानते हैं उसके बारे में कि भले ही वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग हो, रहन सहन अलग हो, पहनावे अलग हो, लेकिन सभी मनुष्य उनके लिए एक ही हैं और सभी मनुष्य भाई बहन हैं, एक दूसरे से भाई बहन के जरिए जुड़े हुए हैं और उनकी जो जिंदगी की मस्ती हुई अकुलाती हुई सी भोर एक अकुलाती जो कि बेचैनी हमने कहा था वो सभी लोगों के लिए उनकी भोर सुबह एक ही होती है, एक ही जैसी होती है। अगली पंक्ति है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक। इसमें बता रहे हैं कि जो दानव दुरात्मा होते हैं, दानव दुरात्मा किनको बताया गया है, जो कि जो शोषक हैं, खूनी चोर हैं, वो सभी जगहों पर सभी देशों में एक ही रूप में देखे जाते हैं, एक ही जैसे देखने को मिलते हैं। चोर को चोरी कहा जाता है सब जगह, शोषक तो शोषक ही होते हैं, खूनी खूनी ही होते हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि ये जो दानव हैं इनकी जो आत्माएं हैं वो मानव की ही आत्मा है, लेकिन इनमें जो दानव जैसी दुरात्मा इनमें पैदा हो गई हैं, ये सभी जगहों पर एक ही जैसे और जो जन जन के जनता के जो शीर्ष पर सर पर जो शोषण का खड़ग खड़ग यानी तलवार लटक रहा है वो अति घोर एक, मतलब वो बहुत ही भयानक है। और जो शोषण का जो सर पे तलवार लटक रहा है जनता के ऊपर वो सभी जगहों पर एक समान है, सभी जगहों पर ऐसा ही होता है। और अगली लाइन है, जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। बता रहे इसमें कि जन जन का युद्ध एक है, जो जनता का जो युद्ध है इन सब के प्रति, इन सब शोषकों के प्रति जो युद्ध है सभी जगहों पर, सभी जगह शोषण हो रहे हैं तो सभी जगहों पर युद्ध भी हो रहे हैं और ये जनता में जो ये युद्ध की भावना उत्पन्न हुई है वो सब शोषण की वजह से ही तो हो रही है और ये सभी जगहों पर एक जैसी ही है। और मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, उष्मा जो गर्मी उनकी जो अंदर अंतरात्मा में जो इस वजह से शोषण की वजह से जो गर्मी उत्पन्न हुई है वो सभी जगहों पर एक जैसी ही है। और इससे जो ज्वाला उनके अंदर जो ज्वाला उत्पन्न हुई, जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है जनता के अंदर, ये सभी जगहों पर सभी देशों में एक जैसा ही उत्पन्न हो रहा है। कविता की लास्ट पंक्तियां हैं, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। यहाँ पर बता रहे संग्राम का घोष एक, घोष का अर्थ है जोर से चिल्लाना, जोर से पुकारना, जो जनता में जब उद्दीप जो प्रकाशित हो जाता है, जब उनमें जो जोश एक उत्पन्न हो जाता है संघर्ष की, संग्राम की, विद्रोह की, तो वो जब जोर से चिल्लाने की जो आवाज़ होती है वो किसी भी कहीं की भी जनता हो उनमें वो आवाज़ एक जैसी ही उत्पन्न होती है, उनके कंठ में उसी तरह से आवाज़ आती है। और वो जीवन संतोष एक, क्रांति का, वो चाहे क्रांति का हो या फिर किसी चीज़ के निर्माण का हो, उस वजह से उनमें जो खुशी होती है उस क्रांति को, मतलब या फिर जीवन संतोष होता है जो कि उन्हें संतोष हो गया, उन्हें सफलता मिल गई इस वजह से, तो उसमें उनमें जो ये विजय का, जो जीत का, जो सहरा यानी जो ताज होता है, जो सम्मान है, वो एक ही है। पूरे विश्व में ये सहरा सम्मान का ही होता है, इस क्रांति के बाद या फिर निर्माण के बाद जो विजय प्राप्त होता है, जो जीत हासिल होती है और उससे जो सम्मान प्राप्त होता है वो पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है, चाहे वो जो भी देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जनता एक ही है और जनता में एकता है।
तो ये थी आज की हमारी कविता जन जन का चेहरा एक। अब इस कविता में मुक्ति बोध जी की दृष्टि से पूरे विश्व की जनता एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई है और पूरे विश्व की जनता में एकता है। जनता का सुख हो, दुख हो, उसका कोई भी कष्ट हो, पीड़ा हो, वो पूरी जनता में एक ही जैसी देखने को मिलती है। उसका शोषण हो रहा है या फिर उनमें जो क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हो रही है वो पूरे विश्व की जनता में एक ही जैसी है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में फैल रही है और एक ही पृथ्वी पर पूरा विश्व वास कर रहा है तो इसी तरह से पूरे देश की जनता भी एक हुई, अथवा अपना जनता जो अपना कर्म कर रही है इस संघर्ष में, जो भी शोषण सहने पड़ते हैं अर्थात जो मुश्किलें उन्हें सहनी पड़ रही हैं, वो चाहे किसी भी देश या फिर किसी भी महादेश में की जनता हो, जब उनमें एक ताकत उत्पन्न हो जाती है, जब उनमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है क्रांति के प्रति, तो वो पूरे देश में एक समान देखने को मिलती है। इस तरह से पूरे विश्व की जनता में एकता ही देखने को मिली है इस कविता के माध्यम से। और इस कविता के माध्यम से ही हमें वास्तविक घटनाएं भी देखने को मिली हैं, जो कि रचनाकार मुक्ति बोध जी ने हमें इस कविता के माध्यम से हमें दर्शाया है। तो ये थी कविता हमारी, समाप्त हुई। थैंक यू।